नत्थयार भर्ती हाई कोर्ट अपडेट। एटीआरई मुद्दे पर बहस की बड़ी कार्रवाई, केस लिस्टेड, अचानक से बदलाव क्या हुआ, इस वीडियो में बात करेंगे। नत्थयार शिक्षक भर्ती के मामले में मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नत्थयार शिक्षक भर्ती का मुद्दा 13 तारीख को जब फाइनल हुआ था और उसमें जो आदेश आया था उस पर अब सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें लिस्ट रिविजिट की बात कही थी। अब भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अगर मिलने को जाते हैं शिक्षक तो वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है कि आपके सपोर्ट में काम किया जा रहा है। चाहे 6800 की बात कर लें तो कल लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि हम डबल बेंच में भी आपकी सपोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई देने को नहीं पड़ रहा है क्योंकि कार्रवाई बहुत ही स्लो है, क्योंकि सरकार को या अधिकारियों को अभी तक खुद नहीं पता है कि लिस्ट को रिबेट करना है कि नहीं करना है या फिर डबल बेंच में मुद्दे को करना है। लेकिन स्पेशल अपील दाखिल हो चुकी है, पहली डेट पर सुनवाई नहीं हो पाएगी, दूसरी पर भी निकाय चुनाव के मुद्दे को लेकर जज साहब ने सुना नहीं था, लेकिन अब नई डेट लगी है तो नई डेट लग चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो डेट थी 174/2023 स्पेशल अपील है यहाँ पर, और 15/4/2023 को यहाँ पर मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 15 मई को यहाँ पर, तो 15 मई के केस के लगने के साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 302 पर सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर सुनवाई हो सकती है क्योंकि काफी ज्यादा नंबर तो बहुत ज्यादा लेट है, 302 नंबर पर एज ए फ्रेश केस है। और यहाँ पर प्रतीम केर और दिवाकर और रंजन रॉय सर सुनेंगे, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों ने तैयारी की है वो पूरी तरह से तैयार, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने तैयारी कर ली है, जितने भी पुराने ऑर्डर्स लगाए हुए थे उसी के आधार पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इंडेक्स पूरी बन चुकी है। और उसके बाद में जो ऑर्डर थे वो सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि 13/3/2023 को ऑर्डर आया था, उसके बाद में देख सकते हैं एनेक्चर नंबर 1 और 2, ये सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं एटीआरई के मुद्दे को लेकर, और इन्हीं से ही जज साहब को डिसाइड कराने की कोशिश की जाएगी एटीआर मुद्दे को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी है ये 12/5/2020 की है, यहाँ पर 2020 एसएससी का ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो ये जजमेंट काफी हैं और इन जजमेंटों के आधार पर, जैसे जियो वाला भी डेट है तो जियो में जियो के आधार पर क्या क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट डेट, तो इन सारे ऑर्डरों के साथ ही कुछ ना कुछ विशेष निर्णय की तैयारी अभ्यर्थियों ने कर ली है। और अगर बहस होती है तो बहुत कुछ देखने को आप लोगों को मिल सकता है, और उम्मीद है कि बहस हो और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले। नत्थयार शिक्षक भर्ती से जो भी अपडेट निकल कर आती हैं वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को 1-to-1 करके बताते रहते हैं, तो कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात है नहीं, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सभी और वीडियो के साथ बने रहें, और जिससे कि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी आप तक पहुँचा देंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।